ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह की फ्लाइट है तो कैसा लग रहा है तुमको ट्रैक करने जा रही हो पहली बार? कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, बस मेरा चश्मा घर पे रह गया। चश्मा कोई भूलता है क्या? कैसे चश्मा भूली, इतना सभी याद दिलाया उसको, फ्रेंड के लिए रख लो वो, रख लो बात नहीं ठीक है। हाँ भैया, अब मैं अपने थोड़ी प्यार करी मैं गाँव से देखने का ट्राई करूँगी ठीक है भैया ठीक है। हमने सब याद दिलाया था तुमको, और ये 3 बजे उठी थी तब भी सब नहीं रखते थे। कौन सी वॉच? दीदी सैड हो रहा है, घड़ी भूल गए घर पे। घड़ी कैसे भूल सकती, तुमको इतना बोला था तब भी घड़ी भूल गई। कोई बात नहीं, घड़ी भूल गई तो क्या हुआ, समय तो अच्छा शुरू हो गया ना। अरे बाप रे, कितना मोर एक्टिंग करी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने करी है। यूट्यूब बन गया, हम लोग अभी चेक इन करवा रहे हैं, चेक इन। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं तो हम लोग ना अभी लाइन में लगे हुए थे, और एक आंटी जी आके, मतलब सॉरी ओल्ड थी वो, थोड़ी बुढ़ी थी, तो वो बोलती है मेरी दीदी लगी लाइन के बीच में। हम लोग साथ में, ऑफकोर्स साथ में लगेंगे ना, जल्दी चलेंगे देर देर चल रही है तो वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी लाइन में लगो, ये टिकट लाइन नहीं है। गुस्सा बहुत तेज आ रही है, वो बुढ़ी दिख जाए ना कहीं मारने भूल जाओ उसको। फ्रेंडी ने अपनी काली जबान से बोल दिया, काली जबान है मेरी, उसकी फ्लाइट छूट जाए गिर जाए वो औरत। अरे यार वो पता है गंदे तरीके से बोल रही थी सुबह सुबह, अगर वो प्यार से बोली होती ना ठीक है, वो इलिटरेट लोगों की तरह से पढ़ी लिखी थी और इलिटरेट लोगों की तरह से बोल रही थी, मिल नहीं रही ना वो औरत। सुबह सुबह मुँह खराब कर दी कस्टमर जाते जाते, गुस्सा नहीं लगी तो कुछ बोल भी नहीं पाती है पाला। और यहाँ का एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है गाइस, बॉम्बे का यार, बस चलते रहो, इनकी नींद ही नहीं पूरी हो पाई है। कितना बज रहा है अभी? 5, सुबह के 5 बज रहा है। 1 घंटा ज़्यादा कम करेंगे, क्यों जग रही थी रात में, क्यों मैच देख रही थी, सो जाती हो थी, जीत तो गई ना इंडिया। ऐसे में बहुत है, बहुत क्लासी बहुत है, चिपस कर सकते हैं ऐसा करते हैं ना लोग। देखो गाइस हमने ऐसा सुबह तक 3 चीज़ें हुई, सबसे पहले मैं अपनी वॉच भूल गई जो मैंने खरीदी थी कि कभी ट्रिप पे जाऊंगी तो पहनूंगी मैं भूल गई। दूसरी, उसके बाद दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट वॉच तो चलो ठीक है भूल गए, स्पेक्ट भूल गए। तीसरा, वो सुबह सुबह औरत जो थी ना बदतमीजी कर दी तो उसकी वजह से और दिमाग ख़राब हो गया। बट ठीक है, ट्रिप है तो मैं अपना मूड नहीं ख़राब करूँगी ऑफकोर्स। हम चले पहाड़ों पे, गाना नहीं गाओगी? हम चले आंटी है, उनको एक मैसेज देना है मुझे, आंटी आप जो अनोन आंटियाँ देख रही हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लोग एयरपोर्ट में किसी स्टूडेंट से बैचलर से बदतमीजी मत करिए, वरना हम लोग बदतमीजी करने के उतर आएंगे ना तो अच्छा नहीं होगा आप लोग से। हाँ एक्चुअली मैं थोड़ी जबान निकाली है ना अफसोस, तो इसलिए ना प्यार से बोल सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह मूड मत खराब करिए। इंडियन में हल्की ज़्यादा अच्छे से हो पाए नहीं, बोर्डिंग पास रखा है गाइस, खो जाएगा तो। एक्चुअली मैंने अभी एक लगाया है कृति सैनन वाला लिप ऑयल लगाया मैंने, बट मुझे और चाहिए, अच्छा लग रहा है मार्स का, अच्छा लग रहा है नहीं जो इसमें चलने में सबसे ज़्यादा फन लगता है पता है एयरपोर्ट पे, लाइक इसमें लोग चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये बहुत पता है फास्ट पहुँचा देती है। एयरपोर्ट पे सो रहे हैं, अरे गद्दे वद्दे भी लगे, हम लोग भी सो जाएंगे दीदी, सीरियसली गाइस सब सो रहे हैं। गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बट मुझे दूर से ऑफकोर्स नहीं दिख रहा है कि कौन सी फ्लाइट है ये क्या है, क्योंकि मैंने स्पेक्स नहीं लगाया। मुझे सबके चश्मों को देख करके मुझे अपने चश्मों की याद आ रही है, यही ना बाहर में चलते हैं, एंड में चलते हैं ना, लंबी लाइन है अभी, लंबी लाइन है गाइस, क्या करें आप लोग दिखा देते ना, ये लाइन है गाइस, ये वही हो आंटी जो डेनिम जैकेट पहने खड़ी ना, हम लोग से बदतमीजी से सुबह सुबह बात करी थी एयरपोर्ट पे कि आप लोग की कोई टिकट लाइन नहीं है, ये आप लोग का एयरपोर्ट है, ऐसे बदतमीजी से बात करी। तो हम लोग की गलती थी इसलिए हम लोग लाइन के बीच में लगे, हम तो ऑलरेडी खड़े हुए थे बस ये बीच में लगी, तो इतने गंदे तरीके से बात करें। सुबह के 6 बज रहे हैं, बस मेरा टारगेट ये है ना उस औरत को हम नहीं छोड़े
आपको कोई क्रिएटर दिख गई बहुत बड़ी, तो ये हाय बोलना चाहती है, वही फॉलो करती है, तो हाय बोली ना अपने क्रिएटर फ्रेंड को, हम भी क्रिएटर बहुत बड़ी बनेंगे एक दिन देखिएगा, हमको है नहीं बोली तब बताएंगे। दीपक आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इधर आइए मेरे साथ कुर्सी की, क्योंकि मेरा टेम्पर ना ब्लर हो गया है, बहुत गंदा से ओप्पो से बना है, लग रहा है ओप्पो से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टेम्पर ना ब्लर हो गया है, कवर लगाया मैंने नया, टेम्पर निकाल देते हैं ना, निकालो टेम्पर निकाल दे, बड़े बैग्स को अभी से नहीं बोल रही कि बारिश में कैसे फ्लाइट उड़ेगी, बारिश पड़ रही है ना बाहर, कैसे उड़ेगी फ्लाइट, पंखा चलेगा यहाँ पे अभी फिर उड़ जाएगी। हम लोग पहुंच गए, बहुत सुंदर लग रहा है यार, मजा आ रही है गाइस, एक्चुअली ना हम लोग यहाँ के लोगों को देख के बहुत हंसी आ रही है, अरे देखिए ड्राई हो गई मेरी स्किन अपने आप से, ऐसे नहीं दिखा रही, ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ के लोग ना बहुत यार बहुत ज्यादा गोरे लोग हैं यहाँ पे, पता है डर भी लग रहा है, तो थोड़ा पहली बार आया ना ये शहर कश्मीर, अगर हिल स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, अच्छा स्कूल का लड़का है, तो फिर वैसलीन और कोकोनट ऑयल सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर सब आपके पास होना चाहिए, आते ही ड्राइनेस हो रही है, कितने बदतमीज है, गंदा गंदा वीडियो, ये फोटो अच्छी आई है पर ये ना कितनी गंदी है यार, गाय से लड़ रहे क्योंकि एक अंकल हम लोग को आके बोल दिया कि वहाँ पे एक बस 80 रुपीज दे रही है, अगर आप लोग को ज्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग उस बस से आ जाइए, वो गुस्सा हो गया, चिल्ला रहे चिल्ला रहे, एक्चुअली हम लोग शेयरिंग पे जाना ना, यहाँ पे भी कस्टमर्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को तो वो हम लोग को भड़का के चले गए, वो अंकल गुस्सा कर रहे हैं, बाप रे यहाँ के लोग ना मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, और ये वो हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट में, अरे शिंकी दी देख इसमें इसमें अभी हम लोग बैठ के जाएंगे, चलो आराम से, अरे हमको डर लग रहा दीदी, अरे कुछ नहीं होगा, सामान वहीं पे रखोगे, गाइस मैं बहुत मेहनत से बैठी, कितनी सुंदर बोट है सारे यहाँ पे ना, ये सही गाइस देखो ये हाउस बोट है, मजे आ रहे हैं, वीडियो बनाऊंगी क्या, साड़ी में इस पे भी बना सकती हूँ वीडियो, गाइस कितना सुंदर लग रहा है, जो पसंद आएगा उसमें क्या, अच्छा नो इशू, मजे आ रहे हैं यहाँ पे तो यार, हम लोग चल भाई, ओ पानी थोड़ा गंदा है, डर लग रहा है यार पानी में, गहरा पानी होता है यहाँ का, शॉर्ट्स बनाइए शॉर्ट्स, आखिर हम लोग यहीं पे आ गए, कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ रही है, कहाँ चेक इन करेंगे, उन्होंने अभी होटल्स देख मतलब ये हाउस बोट देख रहे हैं, काफी कॉस्टली बताया सही बताऊँ तो 6,500 का, अब मैं दिखाती हूँ दूसरा आपको, मुझे लगता है जब भी आप कश्मीर विजिट करो तो सब कुछ बुकिंग अनवर करके आओ, एक ये भी है, ओ शूज़ पहन के आ गए, गाइस हम लोग ये देखना चाहते हैं, अब देखो मॉस्टर कौन सा वो बढ़िया है, एसी जो शूज़ का मजे आ रही है, हम लोग शिकारा में शूट करा सकते हैं सर, वही तो बोल रहे थे, इसी बोट अच्छी है, पहाड़ साइड इसमें ही कर लेंगे, हां इसी में साड़ी पहन के, हम लोग साड़ी पहन के पहले, हम तो हां ऑफ कोर्स गदैया पहनेंगी, गाइस हम लोग शायद से यहाँ रुकने वाले हैं, अगर वो मान गए हमारे बजट के अंदर, आप लोग जब भी आ रहे हो ना बाहर हमेशा अपनी बुकिंग करके आओ, वो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी हम लोग मैगी खाएंगे, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं यूट्यूब वीडियो कैसे अपलोड करूँगी मुझे नहीं पता है यार, कैसे अपलोड करूँगी यूट्यूब वीडियो,
सो गाइस ये हमारा रूम है हाउस बोट का और ये खबोड़ों की तरह खाए पड़ी हैं तब से खाए पड़ी हैं। गरम गरम पानी पी दिए पूरा गले तक खौलता पानी। गाइस आपको पता है क्या, मैंने सदुआ भी गरम पानी रखा था रूम में, बहुत खौलता हुआ पानी मैंने वो ऐसे पी लिया। हाँ अभी मूड भी ठीक है, मुँह भी ठीक है, मूड भी ठीक है। बहुत ज़्यादा जल रहा था, इधर छाले हमने छाले निकला है। कहीं लग रही है कैमरे में कुछ गड़बड़ी थी, सॉरी मुंह में आप ही कुछ गड़बड़ी थी। ये क्या है, ये भी कुछ है। हमारा फर्स्ट डिनर एक्चुअली थोड़ा वेस्ट हो गया किसी की वजह से, कोई सो रहा था आते ही। गाइस हमें कुछ खाने आए, बहुत तेज भूख लगी है। कितने टिकट लगेंगे? अदारा एंट्री टिकट कितनी हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आए हैं, हम लोग सुबह से बहुत भूखे हैं, ऊपर से मेरा गला भी आवाज़ चेंज हो गई जब से मेरा मुंह जल गया है। ठीक है शक्ल से चलो अपना, ठीक है। गाइस आपको पता है इसी बोट के अंदर ये लोग पनीर टिक्का और ये सब बेच रहे हैं, मतलब सोचो कितना टफ काम है यार कि बोट चलाना और ऊपर से सारी चीज़ें बेचना। क्यों दीदी रिंग्स भी होगी, कितने क्यूट हुक्का है गाइस ये। घर में फैमिली होगा उनको पता चलेगा इसमें क्या है, इसमें पूरा हैंडल पिस आता है क्योंकि ये नीचे से हां दैट इज द आखिर सर। गाइस जैसे मैं पीती नहीं हूं बट मैं ट्राई कर रही हूं। हुक्का हुक्का वाओ क्या क्यूट है। भैया ने हमें बना के दिया है। थैंक यू भैया, अच्छा लगा भैया। गाइस हम लोग होटल पहुँच गए हैं, चुड़ैल की तरह खड़ी हुई थी यहाँ पे। एक्चुअली ना यहाँ पे लाइट चली गई है, फ्लैश दिखा। अरे चाबी निकाल, अगर चाबी तो हम बैठूस गई देखो। शिंकी दी को मोमोज खाने थे, मैं तो खाऊंगी नहीं ऑफकोर्स, बहुत ज़्यादा गर्म है मोमोज। देखिए और सौ सौ के छुट्टे कहाँ से लेकर आ रहे हैं हमको, कितने किलो कितने किलो फोन भी है क्या। हम लोग खा रहे हैं भेलपूड़ी, अच्छी आ रही दीदी। हाँ दिख रही हैं, आई किस तरह तो अगर हम फोन कर रहे हैं। अरे शिट गाइस हम लोग एक्चुअली बस देखे और वो बस के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, एक्चुअली बहुत मजा आ रही है यार, ऊपर से हर चीज दिख रहा है, क्या हवा लग रही है ऊपर, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। पता नहीं हम लोग भाग पके हैं, दौड़ दौड़ के अचानक चढ़ गए बस में, पता नहीं कहाँ जाएंगे सही में, एकदम अपने पंजाब शहर है, हमें कुछ नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है। इतनी रात को वो भी कश्मीर, बट कश्मीर से बहुत आर्मी है, चढ़ गए कहीं दौड़ते दौड़ते गिर गई, मतलब गिरी नहीं बच गई। बहुत मस्त दिखाओ ना बाहर का दिखाओ। कुछ हम लोग खाने आया, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या हुआ? और ये बन रहा है डोसा, हम लोग आए हैं पैक कराने क्योंकि हम लोग जाके अपने हाउस बोट में खाएंगे। भैया एक घंटा से भाई यहाँ पे एक्चुअली लोग बहुत अग्रेसिव है, वॉयलेंट है थोड़े, चिल्ला चिल्ला के बात। भैया हमारा वाला भी बन गया क्या? एक्सक्यूज मी मैम,
बता दीजिए हम लोग कुछ चार पाँच ये वीडियो बना रही हो।